बिहार की राजधानी पटना के पालीगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला शिक्षिका ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान नालंदा जिला निवासी रेशमी उर्फ खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पटना जिले के पालीगंज मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में महिला शिक्षिका रहा करती थी। शनिवार की सुबह जब महिला शिक्षिका का दरवाजा बंद देखा गया और घर के मालिक जब खिड़की से देखा कि महिला फांसी लगाई हुई है, तब सूचना पालीगंज पुलिस को दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर महिला के शव को कब्जे में लिया। बता दें कि मृतक महिला किराए के घर में अकेली रहा करती थी। शिक्षिका पालीगंज प्रखंड के चंडोस गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर थी। इधर घटना को लेकर पालीगंज थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पालीगंज बाजार स्थित किराए के मकान में महिला शिक्षिका ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आज एम्स भेज दिया है। घटना को लेकर परिवार को सूचना दे दी गई है, हालांकि घटना के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिवार के तरफ से थाने में लिखित शिकायत आने के बाद मामले की जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई। सर, एक महिला का शव मिला है, क्या मामला है? हाँ, आज सवेरे लगभग 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी ओनर के द्वारा। जी, किराए के मकान में एक शिक्षिका रहती थी। जी, मकान मालिक के द्वारा सूचना दिया गया कि कल शाम से ही रूम में गई है, लेकिन गेट अभी तक नहीं खुला। संदेह के आधार पे फिर इसका जांच किया गया तो वास्तव में अंदर से छिटकिटी लगी हुई थी। उसके बाद खोलकर देखा गया तो वो पंखे से लटकी हुई, सब बरामद किया गया। विधि समाप्त कार्रवाई की जा रही है।